वर्ष म्हणतोय पास वेद राहा लहान दे कुस्या लहान दे कुस्या म्हणा लहान दे कुस्या की नाव सर आले का राकुश तो सर की ना राकु बस माना गाड़ी राले से तको का तवे माने प्लार दे विल दी ताला सो गाड़ी हुई का ना ते प्रेर तो दिस मोए खुदा खबर है ना जी इंसान गलती न मानी का ना पदे माने मेरा के देख जूती वे पदे दत्ता बवे छ सा गलती दा गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ यूं स्टार्ट होता है कि हम दोनों रात से सोए नहीं, एक दूसरे के बाद नींद भी नहीं आ रही थी, ऊपर से 6-7 बजे के आसपास नींद आ रही थी। बट मैंने सोएब से कहा कि भाई आज हम सोएंगे नहीं, क्योंकि आज हमारे कुछ काम वगैरह, रात को मैं अपनी गाड़ी भी लाया हूँ तो आज उसका ट्रांसफर करना है। अभी तो खैर तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, तो मैं जाता हूँ पहले प्रिंटिंग वाले को देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तकरीबन आधे से ज़्यादा मार्केट मैंने छान मार ली, लेकिन यहाँ पर एक भी ऐसी शॉप नहीं है कि जो खुली हुई हो, तकरीबन सारी मार्केट्स क्लोज हैं। इसके ऊपर ही कर दो यार, तो भी अच्छा है। कल अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुझे मिल गए और भाई ने कहा कि चलो मैं कर देता हूँ। उन्होंने मेरे घंटों का काम बहुत ज़्यादा आसान कर दी, क्योंकि यहाँ पर शॉप खुलती हैं 12 के बाद, 12 बजे। हाँ, क्योंकि रमज़ान है ना, तो ये आपने मेरा बड़ा मुश्किल काम आपने मेरा बड़ा आसान कर दी। मैं रात को भी तकरीबन निकला था 2 बजे, सभी दुकानें बंद थी। हाँ, उठो भी बंद थी। तो चलो फिर ये हो गया, तो बस ये भी सही है। थैंक यू सो मच यार, आपने मेरा बड़ा बड़ी हेल्प की है, बस अल्लाह आपको इसका जजाए खैर दे। ठीक है, थैंक यू। दोस्त है मेरे, दोनों ने ये काम मेरा कर दिया, बाकी वरना आजकल नहीं करता कोई। और अभी मुझे इसके लिए वेट करना पड़ता था तकरीबन 12 बजे का कि भाई शॉप्स कब तक खुले और मैं कब इसका काम करूँ। तो जो सबसे मुश्किल काम था वो तो हमारा हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग वाले इस टाइम नहीं खुले होते, और वो काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब हम लोगों ने यू करना है कि झटपट से हम लोगों ने जाना है इस्लामाबाद एक्साइज, वहाँ पे हम लोगों ने बायोमेट्रिक लेनी है उस बंदे से, और फौरन हमारे नाम पे हो जाएगी गाड़ी। पपुले जालिम जामन दी घट गाड़ी तो सलाम की की गाड़ी बने जांच पी ली ये बस अभी यहाँ पे चल रही फी चलान सबमिशन कर रहे हैं, उसके बाद अभी देखेंगे की जी। तो इस वक्त जो मेरा एक्साइज का काम था वो तो हो गया तकरीबन सारा। एक्साइज में कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई गड़बड़, लेकिन चलो वो तो हर जगह होती रहती, लेकिन ये था कि हमारा काम बहुत ही सेटिस्फाइड वे से हो गया। इस बंदे से हम लोगों ने गाड़ी ली थी, उसने एग्रीमेंट दोस्त के पास रखवाया हुआ था, और वो दोस्त उसका गाँव चला गया। हम जा रहे हैं अभी, एग्रीमेंट हम लोग ड्राफ्ट करेंगे उनके साथ, और उसके बाद जो पेमेंट रह जाएगी उनकी तो उनके हाथ हैंड ओवर कर दूंगा। बाकी सेब आप क्या कहना चाहोगे, आज का रोज़ा कैसा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मैं आप तो बाहर एसी में बैठे हुए थे ना, मैं तो अंदर इतना जहील हूँ कि अंदर इतनी तेज धूप है आज कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज मंडे का दिन है और ऐसी गंदी धूप है ना कि मैं आपको उस टाइम बिल बहुत ज़्यादा ख़राब धूप है। ये देखें आप लोग, ये रोज़ों की अपनी एक कैफियत होती है रोज़े की। बाकी गाड़ी का ये है कि गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं दिखाऊंगा ना। जब गाड़ी का सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है, कौन सा मॉडल है और क्या क्या है। ऐसे तो नहीं बता सकता भाई, सस्पेंस सस्पेंस इंजॉय सस्पेंस। हमारा एग्रीमेंट और जो भी हमारा था सारा प्रोसीजर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम हमारे नाम हो चुकी है। और अभी मुझे घर से कॉल्स पे कॉल आ रही है कि भाई तुम किधर पहुंचे हो, हम लोगों ने गांव निकलना है। तो बस अभी चलते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं और ईद के लिए गांव निकलते हैं, आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। सो स्टे ट्यून। हाँ बाबू, सारा सामान पैक हो गया? हाँ पैक हो गया। तैयार हो गाँव जाने के लिए? यार मैं थका हुआ है, क्या हुआ है? तका हुआ है। कौन तका हुआ है? गला तका हुआ है, ये सूखा हुआ है, ये मेरा भी ये सूखा हुआ है।
तका हुआ है। शहरी में पानी पिया था? नहीं सेम, मैंने भी नहीं पिया। सामान वगैरह है भाई, ये तकरीबन सामान वगैरह डाल लिया, ये सेब साहब के कुछ पंड वगैरह रह गए हैं तो ये भी हम गाड़ी में डालने लगे। सो स्टे ट्यून्ड, गांव पहुंच के आप लोगों से मुलाकात होती है और मेरे ख्याल से अब अफ्तारी के बाद ही होगी, लेकिन पानी नहीं चाहिए यहाँ। लेट्स सी के क्या बनता है। 10,000 का डाल, इट्स अबाउट 4:30 और नींद बहुत ज़्यादा ही हुई, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मोहतात होकर ड्राइविंग करूँ, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बाकी ये है कि पहुँच के आप लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है, عليك علاش ملوك الشبال زنتا كي خيرم خا نورا شبكي كان بطاني رقم زي بطاني تو عليك باكستان ها باكستان زخا ده يار انا عليك ده سامان اورا خا ترا كي كان سامان لا بو تورا هاي 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 بہت زرا تھک گئے بھائی تدالے پی جو نہیں تاسو گچ داو سے ویل سائیکل دن दस ओके रकम मुदसर शाबाशाबाजना को रोजा रोजा मुनिश्ता तो वक्त है तो वाह। सो इस वक्त ये है कि हम लोग पहुंच गए गांव, गाड़ी मैंने लगानी थी वो भी मैं लगा के आ गया, और अब यह है कि इफ्तारी में तकरीबन तकरीबन आधा घंटा आसपास रह गए। अभी है कि इफ्तारी के बाद मिलते हैं और आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी क्या हालत है। जी सो वेलकम बैक, और सोहेब लोग भी पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने इफ्तारी भी कर ली है। तो इस वक्त ये है कि हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ बैटरी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यूबीस की बैटरी ख़राब हो गई थी, तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने रिपेयर करने के लिए दी हुई थी कि पता नहीं कोई न्यू ले रहे हैं। हम आए थे लेकिन हुआ ये कि वो बैटरी वाला कह रहा है कि मुझे टाइम लगेगा, मैं कहीं और आया हूँ इफ्तारी पे। अभी हम लोग वापस जा रहे घर की तरफ, और सोहेब भाई कह रहे कि आपने मुझे पिज्जा खिलाना है, तो सोहेब भाई पिज्जा खिलाने वाले मेरे तो आजकल हालात नहीं है। तो वो कौन सा मतलब इतना महंगे, वो 2200 का है, वो पूरा डील है उसमें, एक लार्ज पिज्जा है, दो जिंगर बर्गर है, चिकन पीस है। बहरहाल के लिए घर चलो, बहरहाल के लिए घर चलो, बात समझ लग रही है। नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि अभी घर जाते हैं, अभी तो दो इफ्तारी की है, दो घंटे के बाद देखेंगे, क्योंकि इसको भूख बिल्कुल नहीं लगी, मैं इंतहाई डल हुआ हूँ इस टाइम। पेट्रोल में गाड़ी की वाह चुले हुई बस जो बिहार वन छुटो जो बाइडन वाला हो तो किस बात होगा। हाँ, जो बाइडन वाले की तरह से बाइडन रागले हो कना कुछ खबर है कि नहीं हुई जो जो कना नहीं रहे जो बाइडन बैठी आदन हुई जो बाइडन रागले हो तो जो बाइडन चलता ना तो बाइडन बाइडन चलता ना तो दावन जो बाइडन जो स्वाचान वाले नुमा को स्वातियान वगैरह में चल के जो बाइडन लागी जो जमा आज मत हुई साथ में तो कोई हम जमा खुदा कर क्या तो सुख हुई जरा था फाट जब हम ना सुख का चवाड़ू गए ना अख्तर ने इश्वे भाई ओखंडो कसम ने मुंगा बकला यो खो कला बल खो मुंगला बखो इश्वे खूब ना रातो जाला सबा अख्तर ने यकीन वो में ना रातो मुंगा बक्का बुरुन तो जो दावा यो अख्तर रागे अभी बैटरी वाले ने फोन किया कि आप आ जाओ, मैं आ गया शॉप पे, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब ईद की होगी इन्फॉर्मेशन होगी आप ईद है, तो ये सारे खुशियाँ में आ रहे हैं, कोई बाइकों पे निकला हुआ है, कोई गाड़ियों पे निकला हुआ है, बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे। उतरेगा कि ना उतरा लेगा
बम्पर ना दे जेते करा ले गाड़ी का गाड़े बच दे नूर लगा खराब होता भी उल्टे खीरा बने नूर वही माँ वही लड़ो गाड़ी रा ले जेते को जालिम बची दे कने कसम तो बा आओ कने दागोलू तो क्लिप बोलू बस आओ दस साइड का कसम करा मख की मुराबन का دی سره دا بلاګ کوم دی موږ سره دا ګاډي دا غټ ارمان دی چې وې مستاوی کوم دا کوي بچ دی کنه روډ خبر نه دا مونږه ته وای مونږه نن له کسه غواړي چې سره باندې دلته دا ګاډي ابکه شو مونږه مونږ دا وایو کنه دا راشه ته د دې نه غي خبره چې دا ګاډي په جنون باډه باندې دا راشینو کیسی تو گاڑی نہ وے مگر نہیں کنا خبر گورا ما تا گورا دخل گاڑی استان دا کم از کم لاکھ روپے لاکھ روپے آو کنا تل تو لاڑ دے وا ما متلی نشی پلار تے تے بزی نمبر پے چتے مانا یار غٹ زبردست کار ہو کو مانا توبہ نشا کے ویلا لگا سنگ لگا گورا خلق داس اے رش کے منگرو تو ڈیر دا قسم ڈیر ٹائم جائے شو تے یار ارو سنسار گاڑی سر دا دیدو मोटरसाइकिल अगर एकदम रहुआ था ना माँ हो वह खामखा रहा ना गाड़ी वो ख्याल में हम टूला का तरफ तमे तो जो कसम ने कमी तेरी दे ली सर रहता है साहू को रजाले में तो बेड़ा दे वाला कर कर यार बस ये माँ ये नहीं करने जो सड़ी तेरा बम्पर तो बस बम्पर लो दार टूल दी जाए दर्दी है पूरे वाव का ना दाऊ को रहा जेनुइन पेंट है दाऊ को बम्पर ही मात मना बम्पर टूल लगा पुणे माँ के पुणे में पुणे जेते शिविर ख्याल ख्याल زاوی به وجه تاسو ته سلام وایا سمو مانا بس ازا مهرباني ډاکټر سوي مانا په دې کې هډو بار وای نه راوتل پکار خو بس هغه کنه مجبوری وای یار دا گاڑی والی خبر دا په قسمت کې لیکلی هو را خبر دارا ما دا پلار دا ویل دي تاسو گاڑی وای کنه ته پرې ته ته سمو خدا خبر ادا چې انسان غلطی نه مانی کنه پدې باندې مړه کې ځکه جوتی وای پدې دته به وای چې ستا غلطی دا मामूली गाड़े
شکر دے اللہ پاک سر والے پنیر کی بنا بمپر والے مانا دال تے کہ میں ٹرک والا راہ گیا 10 سر والے گاڑی ہو چے بولے دادی کنے وردی تدا ہو سے کوڑ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. باقی کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں کہ آج کا ولاگ کیسا تھا اور گاڑی کی حالت آپ لوگ اس وقت دیکھ ہی سکتے ہیں کہ گاڑی بالکل گاڑی کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا. اس کے اندر ہماری بہتری ہوگی اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آج کا ولاگ ہم یہاں پہ پھر اینڈ کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.